हफ्ते के रमजान अल्हम्दुलिल्लाह आ गए और मैं हर रमजान अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। इस साल भी मैंने उसी तरीके से अपने घर को डेकोरेट किया। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पर आप लोगों को ये मोम दिखाया जब मैंने बाय किया और मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट किया, क्योंकि आप लोग भी सोचे होंगे कि मैं कहाँ लगाऊंगी। अल्लाह रमजान हमारे लिए बहुत खुशियों ने करे और बर्तन ने करे। खाने पीने का नहीं होता या तो घर डेकोरेट करने का नहीं होता, तो हमें चाहिए कि रमजान पर हम लोग अल्लाह की जितनी हो सकती है उतनी इबादत करें और दूसरे लोगों का भी सोचें, बस अपना ना सोचें। सबसे पहले जिनसे बात आती है वो तो अपने नेबर्स की आती है, अपने नेबर्स का भी ख्याल रखें। हम लोग रमजान पर जितनी मर्जी नीकी हो सकती है वो कर सकते हैं, छोटी छोटी गलियों को भी सारे काउंट होती है। जैसे रमजान होते हैं तो हमें छोटों की भी केयर करनी चाहिए, बच्चों की, कि हमने तो रोज़ा रखा होता है, ऐसा ना हो गया छोटे बच्चे भी भूखे रहते हैं तो उनको भी लाइक उनके ऊपर रोज़ा फर्ज नहीं होता, तो हमें उनको भी खाना दे देना चाहिए कि आप खा लो। दिस इज फॉर यू। कैसे किसी भी प्लेटों पर स्नैक्स रख सकते हैं, क्योंकि ये अरब कल्चर का एक पार्ट है कि आप लोग किसी के भी वेलकम के लिए, ऐसे हॉस्पिटैलिटी के लिए, ऐसे आप कोई भी स्नैक्स रख सकते हैं, कोई भी फिर आके यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे मेन स्नैक होते हैं रमजान में या अरब कल्चर का होते हैं डेट्स। तो अभी आप लोग सही से मेरे घर सारी डेकोरेशन देख लें, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें।